अल्लाह वरहि वो वी आर लाइफ यस अहमदिल्ला सो गाइस क्विकली लेट मी नो कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और वीडियो ऑडियो दोनों चीज़ें क्लियर हैं आप प्लीज़ मुझे comments में बताइएगा ताकि हम आगे प्रोसीड कर सकें जी प्लीज बताइएगा अच्छा तो ये दो मैसेज तीन मैसेज थे आवाज क्लियर है सो बिफोर वी स्टार्ट Uh, कुछ दो तीन रिक्वेस्ट uh, है कि जितनी देर में uh, बाकी लोग भी ऑडियंस इकट्ठी हो जाती हैं हम दो से तीन मिनट मैक्सिमम uh, तीन मिनट चार मिनट हम लोग इंतज़ार करेंगे ताकि जो लोग ज्वाइन इन कर रहे हैं वो लोग साथ साथ ज्वाइन करते जाएं और मेन वाइल आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि uh, आप लोग इस वीडियो को लाइव वीडियो को अपनी पर्सनल ग्रुप्स में जो आप लोग के ग्रुप्स हैं फ्रेंड्स के जो भी आपके सर्कल हैं जिसमें आप लोग शेयर करना चाहें मेन वाइल इसको शेयर कर लें ताकि सेशन स्टार्ट होने के बाद उनकी कोई भी चीज़ मिस ना हो कोई भी बात मिस ना हो और इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपके दोस्त वगैरह जिनसे आपकी इन टॉपिक्स पे बड़ी वार्म और हॉट किस्म की डिस्कशंस चलती रही हैं वो भी आपके साथ ही इस सेशन में आ, इंगेज हो जाएंगे और उसके बाद इन उनको भी फायदा होगा आपको भी फायदा होगा सो क्विकली शेयर दिस वीडियो सो योर फ्रेंड्स एंड डिफरेंट ग्रुप्स इन्वॉल्व इन दस और उसमें कुछ ये लो लाइट्स बिल्कुल निमरा जाहिद ठीक है ये आ, लाइट शायद मेरे एंड पे लो होगी अभी जब आ, हमारे जो स्पीकर हैं वो कंटिन्यू करेंगे दैट इज अ फुल लिट रूम इनशाला आपको वहां पे मुश्किल नहीं होगी जस्ट बेयर फॉर टू टू थ्री मिनट्स मोर आई टेक मोर टाइम इनशाला जी वीडियो मैंने बताया अभी बस इनशाला थोड़ी देर में जब वो स्पीकर आएंगे तो इनशाला वीडियो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी क्योंकि ये इनडायरेक्ट मेरी वीडियो शेयर हो रही है तो वो इस वजह से थोड़ी सी तो इन द मीन वाइल आप लोग वीडियो वगैरह आईडेस आप शेयर कर चुके होंगे और मैं आपको ब्रीफली आज के जो हमारे आ, स्पीकर हैं जो हमारे शेख हैं जो जिन्होंने हमारे लिए स्पेशल टाइम निकाला है Uh, मैं उनका आपको ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दूं वैसे तो आप लोगों सब को सबको अंदाजा हो गया होगा जो एक दो पोस्ट हमने की थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने शेयर किया लेकिन स्टिल जिनको नहीं पता उनके लिए एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन सो फर्स्टली आई एम ऑनर्ड टू हैव विद अस शेख मुफ्ती सैयद अदनान काका खैल साहब अदस सो ही इज हेलिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन खैबर पख्तूनख्वा ziyaret सैयद अदनान काका खैल साहब दम Belongs to a family known for the knowledge and wisdom, a nobleman for the Husseiniyat Sadat lineage. He holds degrees of Shahada al, uh, al media Islamic Scholarly, and Takhassus fil Filifta, uh, which is the degree of specialization in Islamic uh, perspective and Islamic economics. Besides having an MA in Political Sciences and LLB from the University of Karachi, to the Seine, he serves as a uh, resident Sharia. Uh, board member and head of Sharia Compliance uh, Department, SCD, of uh, Iman uh, Islamic Banking at Silk Bank Limited. Since 2006, he has been teaching various Islamic disciplines in some leading Islamic and educational uh, institutions of Pakistan. He's previously served as the chairman of Center of Policy Research and Dialogue, established from the propagation of ideological harmony and peace among the Muslim Ummah. And one of the very important thing that I would like to mention here, he is the CEO and the founder of Al-Burhan organization. So many of you will know uh, who live in Islamabad, Lahore, and Karachi. They might, uh, I think, they will definitely know this organization. But for those who don't know. Uh, i will introduce this uh, organization and uh, what are the programs and the study careers what uh, what things they are offering for the students for the professionals i will mention that all in the end of the uh, session inshallah so i would firstly i am very very thankful to our sheikh uh, mufti adnan kakhel who has taken out time for us and uh, is session ka maqsad jo was uh, ki three topics they Sophia. Ka, और इसी तरह से कि आया सोफिया जो मस्जिद में कन्वर्ट हो गई फ्रॉम द म्यूजियम एंड सिमिलरली जो इस्लाबाद में एक हिंदू टेंपल जो कंस्ट्रक्ट होने जा रहा था उसके बारे में दोस्तों की डिफरेंट लोगों की टीवी चैनल्स पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही थी और हमारा आजकल बींग यूथ हमारा एक छोटा सा प्रॉब्लम यह है हमारे पास जो बल्कि छोटा सा नहीं बड़ा प्रॉब्लम है हम इंफॉर्मेशन और नॉलेज ना होने के बावजूद इतने बड़े बड़े स्टैंड देते हैं और हम अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसकी बेस पे बस हम बहुत बड़े स्टैंड दे देते दे हैं स्टेटमेंट दे देते दे हैं कि ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए बल्कि असल में होना क्या चाहिए जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं वी शुड रीच दैम एंड वी शुड आस्क दैम के इफ सर्टन थिंगस ऑफ योर फील्ड वट शुड बी द रिस्पॉन्स हमें क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए किस तरह से अगर आयोसोफिया कन्वर्ट हुई है वी शुड गो टू अ स्कॉलर जिसकी रिसर्च है इसी फील्ड में इस्लाम में और पॉलिटिक्स में हमें उससे पूछना चाहिए कि इस्लाम हमें क्या कहता है कि अगर कोई आपके पास जो एक म्यूजियम में कन्वर्ट हो गई है कोई मस्जिद है या कोई भी और चीज़ है उसको मस्जिद में कन्वर्ट करना कैसा है बजाय इसके कि हम अपने जो है जो भी हमारे जहन में बातें आती हैं हम उसको फैलाई रखें और बहस करते हैं आपस में सेम इज़ द केस कि अगर कोई मुस्लिम स्टेट में टेम्पल बनना है या कोई भी ऐसी चीज़ नॉन इस्लामिक जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में हमें उस फील्ड के एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए तो इसीलिए हमने आज अपने जो है ये स्कॉलर से रब्ता किया ताकि ये हमें इन टॉपिक्स के बारे में और खास तौर पे जो आजकल के दस इंपॉर्टेंट दिन चल रहे हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने इनको अहम बनाया है और इसमें अमाल बहुत ज़्यादा कीमत रखते हैं इनके बारे में भी हम शेख से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर भी थोड़ी सी लाइट डालें सो विदाउट एनी डिले मैं चाहूंगा कि आप लोगों का बिल्कुल भी मज़ीद टाइम लिए बगैर मैं शेख को स्टेज हैंड ओवर कर दूँ और

रमान सदीक साहब और उनके उस का इस मजलिस को मुमकिन बनाया है मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि ये मौका मिला है कि आप लोगों के साथ हवा के दोष पर गुफ्तु हो ब्राह और आमने सामने बैठकर बातचीत के पास के मौाद कुछ महदूद है इसलिए इस तरीके जरिए किया गया मुझे सबसे ज्यादा खुशी आप जैसे नौजवानों के साथ उन मौजुआत के ऊपर करके होती है जो आपके दिलो दिमाग में विभिन्न किस्म की बातें पैदा कर रहे होते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट हो रही होती है और हर बंदा उसके बारे में कुछ तसली बख्श वो चाहता है कि उसको कोई सही बात इस हवाले से पता चले जो मौजूद मुझे बताए गए वो तीन थे और वक्त इतना शायद ना हो कि हम उन सब पर तफसली गुफगु कर सकें इसलिए गुफ्तु थोड़ी मुख्तर रहेगी और उन तीन मौजुआत में एक मौजू हमारे साथियों ने इसका इजाफा कर दिया उसमें और कहा कि यह भी बड़ा ज़रूरी है कि इस मौजू के ऊपर बात हो तो आज हम चार छोटे छोटे मौजुआत पर गुफग करेंगे और इन शाह चारों मौजुआती ही गुफ्तु चंद मिनटों से हर मौजू के ऊपर सात आठ दस मिनट से ज़्यादा शायद ना हो सबसे पहले हम उसकी तरफ आ जाते हैं जो आपके आपकी आपकी तरफ से दी गई लिस्ट में जो मौजू बनता है वो ये कि जो जिन जिन दिनों से हम आजकल गुज़र रहे हैं ये हज्जा का अशरा है और उसके बहुत सारे दिन गुज़र गए हैं और बहुत थोड़े से और सबसे ज़्यादा शायद अहम तरीन दिन अभी बाकी हैं ये अशर दो चीज़ों के हवाले से बहुत शोहरत रखता है जिनमें से एक इबादत ऐसी है जो कि पूरे आलम इस्लाम में हो रही होती है और दूसरी ऐसी है जो ख़ास मरक़ इस्लाम में मुकरमा में हो रही होती है और वह दो इबादतें एक क़ुरबानी की है और दूसरी इबादत हज की है इस साल इन हालात की वजह से हज हज मामूल नहीं हो रहा और बहुत ही महदूद लोगों के साथ अदा किया जा रहा है और उसके आप हालात वगैरह देख रहे होंगे कुर्बानी और हज दोनों का एक ताल्लुक हज़रत सदना इब्राहिम अला नबीना वालतम के साथ है और फिर उस चूँकि ये इस अशरे में चीज़ें आई हैं उसके साथ ख़ुद इस अशरे की जो ये पहले दस दिन हैं इस मुबारक महीने के ल्जा के इसके बारे में अदीस में और कुरान पाक में बेशतर मुफसरीन की राय में अल्लाह जिन दस रातों की कसम खाई है वल व वलयालिन अशर उनका ख्याल ये है कि ये यही दस रातें मुराद हैं जो झलहजा के अशरे में ये चल रही हैं आज के जो तो चल रही हैं नबी करीम अलैहि वसल्लम ने इस अशरे में, में इबादत का रोज़ों का अल्लाह ताला के की याद का जिक्र का तकबीर का आ, के इतने फ़ाइल बयान फरमाए हैं कि उलमा इस बारे में आ, इस पर इन पर डिबेट है इस बात के ऊपर कि पूरे साल का जो पूरा एक इस्लामी साल होता है उसके सबसे अहम तरीन दिन आ, पूरे साल के कौन से हो सकते हैं क्योंकि दूसरी तरफ हमारे पास रमजान रमज़ानुमबारक भी अपनी गैर मामूली अहमियत के साथ आता है और ये भी आपके इल्म के में है कि रमज़ान में भी एक आखिरी अशरा आता है जिसकी जिसमें ताकरत का इम्कान सबसे ज़्यादा होता है जिसको रमज़ान का आखिरी अशर कहा जाता है लोग एतकाफ़ बैठते हैं उसमें और अब उसकी अहमियत से भी बाख़बर होंगे तो फ़ैसला जिन हजरात ने किया है वो ये किया है कि रातें रमज़ानुबारक की अफजल हैं और दिन इस ल के अशरे के अफजल हैं यानी यह दिन रमज़ानुबारक के आखिरी अशरे के वो जो फ़र्ज़ रोज़े वाले मुसलमानों के दिन होते हैं बेश्तर हजरा इन दिनों को उससे भी फजीलत के अहबार से अफजल समझते हैं कि अफजल होने का मतलब क्या है दिन तो सारे एक जैसे होते हैं और एक ही तरह सूरज निकलता है और एक ही तरह गुरूब होता है तो दिन का किसी दिन के ऊपर फजीलत का मतलब क्या होता है आप दिन की फजीलत पर एक और चीज़ आपको बता दूँ जैसे मिसाल के तौर पर जुमे के दिन को अफजल कहा जाता है बाकी दिनों से हदी शरीफ में जुमे के दिन को सैदलियाम कहा गया बाकी सारे दिनों का सरदार बाकी सारे दिनों के ऊपर भारी और उससे ज़्यादा बेहतर और अच्छा दिन के या किसी खास वक्त के अफजल होने का मतलब यह है कि उस वक्त में की गई इबादत का वजन बढ़ जाता है उस वक्त में की गई इबादत की जो शादत है जो उसकी जो कबूलियत है जो उसके जो सम्रात हैं जो उसका जो सवाब है जिसके नतीजे में इंसान को अल्लाह शाहानों के साथ एक तल्लुक़ नसीब होता है वो बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा जैसे कि रमज़ान शरीफ अफजल है तो अफजल होने का बाकी महीनों पर रमज़ान अफजल है तो अफजल होने का मतलब क्या है हदीस शरीफ में बड़ा वाजे आया कि रमजान मुबारक में अगर आप कोई नफल करते हैं तो वो आ, आम दिनों में जो आप नफल पढ़ते हैं कोई भी नफल काम नफली काम करते हैं रमजान मुबारक में नवाफिल का सवाब फ़राइज तक बढ़ा दिया जाता है और फ़राइज का सवाब सतर गुना बढ़ा दिया जाता है ये उसकी अफजलीत की शक्लें हैं अफजलीत की सूरतें हैं इस वजह से वो अफजल होता है तो ये दिन बड़े अफजल हैं और बड़े अहम हैं अल्लाह जिला शाह की बड़ी ख़ास किस्म की रहमत मुतवजह होती है इन दिनों में नमाज़ों का अहतमाम करने वाले ज़िक्र का अहतमाम करने वाले तिलावत का अहमाम करने वाले तस्वीर व तहलील का तो उसके सवाब को बढ़ा दिया जाएगा और उससे इंसान का अल्लाह जिला शाह के साथ जो त्लुक़ है वो तेज़ रफ्तारी के साथ कायम होगा क्योंकि ज़ाहिर बात इंसान जितना अल्लाह ताला की इबादत करता है जितना अल्लाह ताला को खुश करता है जितना अल्लाह ताला की रज़ा वाले काम करता है तो उतना उसका अल्लाह ताला से ताल्लुक़ बढ़ता चला जाता है जितना वो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करता है जितना वो अल्लाह तला के बंदों को कोई को फ़ायदा पहुँचाता है उतना वो अल्लाह ताली की निगाहों में अल्लाह जल्लाशाह के हाँ उस इंसान का मरतबा जो है वो बढ़ता चला जाता है तो ये ये दिन अहादीस की रोशनी में नबी करीम जो आसमाम हमारे सामने सही हदीसों की सूरत में पहुंचे हैं उसमें इन दिनों के फ़ज़ाइल खसूसियत के साथ बयान किए गए अब हमें करना क्या इन दिनों में हमें करना क्या चाहिए इन दिनों कैसे गुजारना चाहिए सबसे पहली बात यह है हमेशा इस असूल को याद रखिएगा कि ज्यादा नकियाँ करने की बनस्बत नफली बात कर रहा हूँ नफली नकियों में ज्यादा नकियाँ करने की बनस्बत गों से बचना बदर जहाँ ज्यादा ज़रूरी है यानी अगर एक आदमी को नफली नेकियां ज़्यादा करने की तोफ़ी मैसर नहीं भी आती मसलन ये कि वो नफली रोज़े नहीं रख पाता वो ज़्यादा नवाफिल नहीं रख रख सकता नहीं पढ़ सकता वो कोई बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं कर सकता वो कोई बहुत ज़्यादा तिलावत नहीं कर सकता ये नवाफिल हैं सारे के साथ नफली चीज़ें फराइज से तो इंसान कहीं नहीं जा सकता फराइज से तो कोई सूरत नहीं है जान छुड़ाने की नफली चीज़ों की बात हो रही है अगर वो ये नहीं भी कर सकता लेकिन वो गुनाहों से अगर बच रहा है तो ये कहीं ज़्यादा ज़रूरी है यानी अगर आपको दो इख्तियार दिए जाएं कि एक आप कोई नफली चीज़ ना करें लेकिन कोई गुनाह भी साथ ना करें हर किस्म के गुनाहों से बचें तो ये बदरजहा बेहतर है इससे कि आप बहुत सारे नफली काम भी कर रहे हैं और साथ साथ गुनाह भी कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ जो इन दस दिनों में जिसकी तरबियत हासिल करने की ज़रूरत है वो ये और जिसकी जिसकी जिसका एहतम करने की ज़रूरत है कि इंसान गुनाहों से अपने आप को बचाए चूँकि आप नौजवान हैं और मेरा वास्ता रहता भी नौजवानों के साथ है तो मैं गुनाहों के हवाले से आपसे एक चीज़ अर्ज करूँ कि हर दौर में कोई गुनाह आसान हो जाता है या आम हो जाता है और वो फिर ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है तो बाज़ गुनाह ऐसे हैं जो दीगर गुनाहों की बहुत बड़ी दुनिया जो है वो उसके लिए गेट वे है एक एक उसके लिए एक रास्ता है कि जब इंसान उसमें उबतला होता है तो उसके बाद वो आगे यके बाद दीगरे गुनाहों तला होता चला जाता है उस हवाले से मैं आपको आपकी उम्रों और आपके मशागिल की मुनासबत से सिर्फ एक चीज की तरफ मुतवजह करना चाहूँगा कि अगर आप उसकी पासदारी करने में कामयाब हो जाए तो इन शाह आपको तकवे की नमत हासिल हो जाएगी उसकी बरकत से और उस गुनाह से अगर आप बचने में कामयाब हो जाए तो आपके लिए तकवे के रस्ते आसान हो जाएंगे जो कुरान ने जा बजा मुसलमानों से कहा है कि ईमान वालों इत अल्लाह ताला से डरो और तखवा इख्तियार करो वो एक गुनाह सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ वो है नजरों की हिफाजत अपनी नजर को बाहर की दुनिया में भी फिजिकल दुनिया में भी और वर्चुअल दुनिया में भी हर किस्म की नाजायज और हराम चीजों को देखने से बचाना ये इतनी बड़ी चीज़ है इस उम्र के जिससे आप लोग गुजर रहे हैं और इस माहौल के जिसमें आप लोग रह रहे हैं अगर ये आपको नसीब हो जाती है तो आप समझें कि आपके हाथ में नेकियों की पाकिजगी की रूहानियत की नूरानियत की और तकवे की और ईमानी कैफियत की कुंजी आपके हाथ आ गई मफ्ताह मफ्ता अरबी में कुंजी कहते हैं मफताहसाद सदत की कुंजी आपके हाथ में आ गई मफ्ता हसनात आपके हाथ में नेकियों की कुंजी आपके हाथ में आ गई ये इतनी बुनियादी और अहम तरीन चीज़ है कि आप स्क्रीन के ऊपर अपनी डिजिटल स्क्रीन के ऊपर या बाहर जब आप आ, माशरे में निकलते हैं कहीं पर भी जाते हैं अपनी निगाह को हर उस चीज के ऊपर पढ़ने से रोक देना जिससे अल्लाह जल्ला शाहरुख ने मना किया है और अल्लाह जल्ला शाहरुख की मना करता ये चीज़ें इतनी वाजें हैं इसको मुनकर कहते हैं और मुनकर का मतलब ये होता है कि उसका उसका नाजायज होना बहुत वाजे होता है इसके लिए किसी बड़े इल्म की जरूरत नहीं होती इसके लिए किसी बहुत बड़े वसी मताले की जरूरत नहीं होती किसी बड़े गहरे किस्म के की इल्मी इस्ताद की जरूरत नहीं होती हर आदमी को पता है कि अल्लाह जिल् शाह ने किन किन चीज़ों को किन किन मनाजिर को देखने से मना किया उससे इंसान रुक जाए उससे जो रुक जाएगा बहुत इसके लिए बड़ा एक सेल्फ़ कंट्रोल चाहिए गैर मामूली इसके लिए बहुत बड़ा एक जबत नफ्स चाहिए इसके लिए बहुत बड़ा एक अपने अंदर एक ख़ास किस्म का पोटेंशल चाहिए जिसके ज़रिए से इंसान अपने आप को रोकता है ये करने में जो नौजवान कामयाब हो जाए तो यूँ समझिए कि उसके तकवे का के हसूल का एक बहुत बड़ा हिस्सा तय होगी जिसको ये चीज़ हासिल हो जाए तो सबसे पहली चीज़ तो हमें जब भी ऐसे ऐसे कोई मौके आए जिसके अंदर हमें आ, हम आ, नेकी की तरफ बढ़ना चाहें तो ये बात याद रखिएगा कि नेकी के की शाहराह पर चढ़ने के लिए सबसे पहले हमें गुनाहों के रस्ते को रोकना है और गुनाहों में आ, एक अहम तरीन गुनाह यानी एक सख्त तरीन गुनाह अहम तो नहीं कहना चाहिए सख्त तरीन गुनाह जो बहुत से और गुनाहों का आ, का बनता है वो नजरों की हिफाजत एक चीज़ तो ये होगी दूसरी चीज़ आ, ये ए, इस साइड से मैंने मुनकरात की साइड से बता दिया मारूफात में यानी नेकियों की तरफ जब आप आएंगे तो हमेशा उसकी तरतीब याद रखिएगा हमसे बात का तरतीब खमलत हो जाती है उसकी वजह से हमें वो नतज नहीं मिलते जो मिलने चाहिए तरतीब ये याद रखिएगा कि सबसे पहला नंबर फरइज का है कितने लोग ऐसे हैं रात को जागने का शौक हो इबादत में रात जागे सुबह फजर की नमाज निकल गए सारी रात अजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह का एक दिलचस्प बात आपको बताऊँ उम्र फारूक रजी अल्लाह नमाज में देखा करते थे ज मुस्तकिल नमाजी जिनको आना चाहिए मस्जिद में सारे मर्द जवान मर्दों को सबको ज़ाहिर मस्जिद आना चाहिए वाजिब है उनके लिए तो वो देखा करते थे कि सब लोग फजर की नमाज में ख़ास तौर पर जो नहीं होता था और उसको होना चाहिए था मतलब उस महल्ले का वह बंदा जो मौजूद नहीं है तो वो उसके बारे में दरियाफ्त किया करते थे कि उसके ना आने की वजह क्या है बीमार है ज़ाहिर बात है साहबा के माशरे में तो कोई इतना आ, कितना बीमार होगा इतना बीमार कि वो किसी के कंधे पर भी हाथ रख कर ना आ सकता हो क्योंकि साहबा ने बताया हमारे ज़माने में आ, तो मुनाफिकीन भी मस्जिद में आते थे और कहा कि दो बंदों के कंधों पर हाथ रख कर भी मुनाफिक तब भी मस्जिद में आते थे मस्जिद में ना आने से एक मुनाफिक में तो अपना निफाक छुपाया हुआ होता है तो मस्जिद में ना आने से इंसान का निफाक जाहिर हो जाता था वो अपना यह पर्दा फाश नहीं करना चाहते थे तो पता चलता था कि जो मस्जिद नहीं आता तो मुनाफिक ही हो सकता मुसलमान तो हो नहीं सकता इसलिए वो अपना निफाक छुपाने के लिए मस्जिद की हाजिरी बहुत पाबंदी से करते तो सईद उमर फारूक देखा करते थे एक नौजवान बड़े साले और बड़े नेक थे तो वो मस्जिद में नजर नहीं आए सईद उमर फारूक को तो उनके जहन में थी वो बात हो गई बाहर निकले तो उनकी वालदा नजर आ गई उनकी वालदा से उमर फारूक ने पूछा कि आज फलां मस्जिद में नहीं थे फजर की नमाज में तो उनकी वालदा ने कहा कि अमीर उम्मीन वो सारी रात इबादत करते हैं और जब सारी रात इबादत करते हैं नफलें पढ़ते हैं वो नौजवान था आपकी उम्र के तो बसा औकात सारी रात जागने की वजह से और इबादत करने की वजह से फजर के करीब उनकी आंख लग जाती है और वो फजर की जमात उनसे रह जाती है उसकी वजह से तो उम्र फारूक रजी अल्लाह फरमाया कि मैं सारी रात सोता रहूं और मैं कोई इबादत ना करूं नफली लेकिन फजर की नमाज जा मैं जमात के साथ पढ़ लूँ ये मुझे हज़ार दर्जे ज़्यादा बेहतर है इससे कि मैं सारी रात इबादत करता रहूं और सुबह उसे फजर की जमात रह जाए ये कंसेप्ट क्लियर किया और उसको सही किया तो तो एक जिसको कहना चाहिए एक नुक़ नज़र को दुरुस्त किया कि सबसे पहले फ़राइज याद रखिएगा फ़राइज पूरे होने चाहिए और सही तरीके के साथ पूरे होने चाहिए उसके बाद इंसान जाता है नवाफिल की तरफ उसके बाद जाता है मुस्तबात की तरफ या मंदोबात की तरफ या दूसरी चीज़ों की तरफ तो आपकी जो प्रायोरिटी लिस्ट है ये दुरुस्त तो होनी चाहिए फ़र्ज को छोड़ कर कोई भी नफल और कोई भी दूसरा काम करना जो है वो मुफीद नहीं है इंसान के लिए क्योंकि बहुत आसान सी बात है कि फ़राइज की पूछ गछ होगी बड़ी सख्ती के साथ पूछ होगी और दीगर चीज़ों के बारे में तो वो ये है कि इंसान करेगा तो बहुत फ़ायदा होगा नहीं करेगा तो पकड़ा नहीं जाएगा कम से कम उसके बारे में तो जब आप करने वाले कामों की तरफ आएं तो फ़राइज की जानब ख़ास पर तो ये करने वाली चीज़ उसके बाद फिर आप नवाफिल की तरफ जाए जितने ज़्यादा आप जिक्र कर सकते हैं जितना आप तिलावत कर सकते हो जितनी आप तकबीर इसमें पढ़ सकते हो और जिसको तकबीरत तशरीक शुरू हो जाएंगी मस्जिदों में इन शह जुमे के दिन से तो नौजिल्हजा के से उनका आगाज़ हो जाएगा फजर की नमाज के बाद से ये वाजिब है तकबीरत तशरीक जब आएंगी याद रखिएगा अवल तो आप जमात से नमाजें पढ़ेंगे मस्जिद में तो इंसान को याद इसलिए रहता है कि पूरी मस्जिद बोल पड़ती है लेकिन अगर किसी से किसी वजह से जमात छूट जाए वो अपनी जमात कर रहा है अपनी इंफरादी नमाज़ पढ़ रहा है तब भी उसके लिए तकबीरत तशरीक़ पढ़ना वाजबिब होगा जो नौ हज्जा की फजह से शुरू होंगी और तेरह ला की असर तक चलेंगी तो यह तो वह चीज़ें थी जो इस अशरे में करने की हैं और इसको हमें ज़ाय नहीं करना चाहिए और इससे मुनसलिक एक चीज़ मैंने बता दी कि तकबे के हसूल के हवाले से आपको दो बातें मैंने अर्ज की कि एक काम जो आपने जिससे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है और दूसरा काम जिसको करना जिसके लिए किसी न किसी दर्जे में उसको बेहतर से बेहतर किया जाए अब हम आते हैं उन मौजूद की तरफ जो और हमें दिए गए बताया गया तुर्की में ऑर्थोडॉक्स चर्च जो था जिसको आया सूफिया कहते हैं उसका मस्जिद बनना एक हॉट टॉपिक रहा सोशल मीडिया पे और रेगुलर मीडिया पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस में और दुनिया भर में इस पर तबसरे हुए और आ, अफसोस इस बात का है कि हमारे यहाँ तकसीम अब इस तरह नहीं है कि तकसीम दुनिया की इस्लाम और कुफर की बुनियाद पर हो कि मुसलमानों का एक मौकफ़ है और काफिरों का एक मौकफ़ है अब ऐसा नहीं होता ये एक ज़माने में सदियाँ मुसलमानों ने सदियाँ ऐसे गुजारी हैं कि जब तकसीम यही हुआ करती थी कि एक तरफ मुसलमान हुआ करते थे उन सबकी एक बात होती थी दूसरी तरफ काफिर होते थे और उनकी एक बात होती थी अलकफ्रु मिल्ल वाहिदा कहा गया कुफर एक मिलत है तो ज़ाहिर फिर इस्लाम एक मिलत है अब हमारे यहाँ एक मुसलमानों में एक तबका और भी होता है जो मुसलमान कहलाता है जिसके नाम इस्लामी होते हैं जिनका तारफ इस्लाम होता है मगर हमेशा उनकी राय आलम कुफर के साथ होती है उनकी वही राय होती है जो पूरी दुनिया के काफरों की राय होती है यह तबका अपने आप को मुख्तलिफ नाम भी देता रहता है आ, कभी अपने आप को लिबरल कहते हैं कभी अपने आप को सेकुलर कहते हैं अपने आप को कुछ और चीज़ें कहेंगे ये एक ऐसी चीज है जो इस्लाम ने इन पिछली आ, डेढ़ दो सदियों में देखी है इस्लामी तारीख ने अगर आप इससे पीछे चले जाएं तो आपको इस नाम का कोई तबका नाम तो जरूरी नहीं होता नाम कोई भी रखा जा सकता है इस जहन का तबका आपको नहीं मिलेगा इस्लामी तारीख के अंदर ये कैसे पैदा हुआ है ये एक अलग मौजू है कभी इस पर गुफ्तु हुई मौका हुआ तो करेंगे कि इस्लाम के साथ ये हादसा कैसे पेश हुआ पेश आया कि मुसलमानों में वो लोग पैदा हुए जिनकी राय का मदार यानी वो जब अपनी राय बनाते हैं तो वो कुरान और सुन्नत पर मबनी नहीं होती वो अपनी राय को दीगर और इंसानों के अफकार और ख़्यालत से लेते हैं कुरान सुन्नत उनकी राय की बुनियाद नहीं होती इससे बड़ा हादसा से मुसलमान के साथ और क्या हो सकता है और इससे ज़्यादा बड़ी बदनसीबी किसी मुसलमान क्या हो सकती है कि वो एक चीज़ के बारे में राय दे रहा है और उसकी राय जो है वो अल्लाह की राय और उसके नबी और रसूल की राय के ख़िलाफ़ है उनसे पूछी भी नहीं है उनके आरा उनके अहकाम और उनकी हिदायत से उसने फ़ायदा नहीं उठाया आप जानते हैं कि इसको इस्तोल कहते हैं और इस ज़माने में कस्तुतनिया कहलाता था ये ये सुल्तान मोहम्मद अलफात जो मशहूर और बड़े बाकमाल उस्मानी खलीफा थे उन्होंने ये शहर ये शहर इस्तंबुल इसको फतह किया था और बड़े तवील मुहासरे के बाद फतह किया था वो शायद आपने उसकी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी देखी हुई हो उसकी चीज़ें भी देखी हों और वो बड़ा ईमान अफरोज़ एक वाक़ है कैसे उन्होंने इस शहर को फतह किया और कैसे जो ऑर्थोडॉक्स चर्च था आया सूफिया का वो उनके हाथ आया देखें एक बात याद रखिएगा कि मुसलमानों की जब जब जिहाद होता है या जंगें होती हैं तो दो तीन शक्लें होती हैं एक शक्ल ये है कि मुसलमान सुलह हो जाए आ, सुला का मतलब यह है कि उन लोगों ने आपने जब दावत दी उनको कि वो या इस्लाम ले आए दो तीन तीन दावतें दी जाती हैं एक दावत तो यह होती है कि आप इस्लाम ले आए मुसलमान हो जाए पर तो नौत ही और होती है दूसरी दावत यह होती है कि आप इतात कबूल कर लें मुसलमान ना भी हों क्योंकि इस, इस्लाम लाना अपनी मर्जी से होता है वो जब दावत भी दी जा रही है तो इख्तियार के साथ दी जा रही है देखें तीन बातें अगर आप दिल से मुसलमान होना चाहते हैं तो मुसलमान हो जाइए मुसलमान नहीं होना चाहते तो कोई जबर नहीं है आपके ऊपर आप इता कबूल कर लें यानी आप हथियार फेंक दें लड़ाई बंद कर दें मुसलमानों के रस्ते में रुकावट न बने और अल्लाह के दीन की दावत को फैलने से ना रोकें और अल्लाह के बंदों पर जुल्म ना करें यह दूसरी सूरत है तीसरी सूरत है कि फिर आप, वो दोनों जो मस्तरद कर देते हैं तीसरी सूरत होती है मुकाबले की मुकाबले का मतलब दुनिया में ये होता है कि जो भी फाते होगा उसके पास उसके पास कुछ चीजें आएंगी उसके हाथ में कुछ इख्तियार आएंगे तो ईसाइयों की इबादत गाहों को या किसी भी जो भी गैर मुसलिमों की इबादत गाहों को अगर वह सुला कर लेते हैं उस सूरत में उनको पूरा का पूरा तहफ़ हासिल हो जाता है सुला का मतलब ये होता है कि उनकी इबादत गाहें उनके लिए अगर अगर वह सुलाह करते हैं और इस्लाम कबूल नहीं करता इस्लाम कबूल कर लिए फिर तो उनकी इबादतगा की जरूरत ही नहीं रहती ना वो तो मुसलमान हो जाएंगे इस्लाम कबूल नहीं किया अपने सबक़ा दीन पर रहने का फैसला किया और मुसलमानों से कहा कि हम आपसे लड़ नहीं रहे तुमने तो उसके बाद उनको उनकी इबादत गाहों को एक उनको एक तहफ़ हासिल हो जाता और मुसलमान उसका उनका उनका उनके जान माल इज़्ज़त आबरू हर चीज़ के मुहाफ़ हो जाते हैं और ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हिफाजत होती है अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया इनको फिर ज़िम्मी कहते हैं ज़िम्मी का मतलब ये मुसलमानों के ज़िम्मे में हो जाते हैं ज़िम्मी का मतलब यह है कि अब इनकी हर चीज़ का जिम्मा मुसलमानों का हो गया रसूलुल्लाह वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी ने किसी जिम्मी पर इस वजह से जुल्म किया कि वो जिम्मी है मुसलमान नहीं है और उसको जो है बेचारे को एक, एक मज़लूम समझ कर या एक बेचारा और बेबस समझ कर तो आपने फरमाया किमत के दिन उसकी तरफ से मैं उसका वकील बन के खड़ाऊंगा और उसके जुल्म का बदला चुकाऊंगा ये एक और एक बिल्कुल अलग सिचुएशन है आलम इस्लाम में बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है और इस्लामी तारीख में ऐसे वाकयात भरे में हैं कि मुसलमानों ने फिर ज़िमियों के साथ कैसे सलूक किया और हमारी फ़िका की किताबों में इसके अहकाम इतनी तफसील के साथ लिखे हुए हैं, हैं कि आप हैरान होंगे अगर आप कभी अहल्मा के हकूक़ से हवाले से जो फ़िके इस्लामी में जो तफसी जो डिटेल्स हैं वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा हैरानकन होंगी अगर कभी आपको उसको पढ़ने का मौका मिले तीसरी सूरत जंग की है जंग हुई है तो जंग के बाद याद रखिएगा कि उसको हर भी काफिर कहते हैं वो काफिर जो आपके जो अपनी जिद और इनात पर अड़ गया और उसने आपके साथ भरपूर किस्म की उस जंग का फैसला की किया पैदा हो जाती है कि या तो वो मारा जाएगा या वो या आप मारे जाएंगे या वो मारा जाएगा कोई और तीसरी सूरत नहीं है उस सूरत में जब कोई इलाका कब्जा होगा तो मुसलमान हुक्मरान को तब उनकी ना उनके जान को तहफ़ है उसमें वो मारे भी जाते हैं कत्ल भी होते हैं जैसे मुख्तल मौकों पर हुए आप सब गजवा के अंदर बनो कुरैज़ा के अंदर यहूदियों के साथ मुकाबला हुआ आपने सबको को, आ, को आ, फैसला जो हुआ उसके अंदर उनके कत्ल का फैसला हुआ उसमें वो लोग कैदी भी बनते हैं उसमें वो ज़माने के मुताबिक गुलाम भी बनते थे बिकते भी थे माल भी उनके कब्जे कर, 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 कर गनीमत का माल माल गनीमत कहते ही इसको जंग के अंदर हाथ आता है उसको माल गनीमत कहते हैं उस सूरत के अंदर इबादत गाहों को भी कन्वर्ट किया जा सकता है आ, किसी किसी भी और यानी मसाजिद की शक्ल के अंदर आया सूफिया के बारे में जो तारीखी दस्तावेजात है जो अब आजकल मेरे ख्याल आपके लिए कोई आप थोड़ा सा सर्च कीजिए गूगल कीजिए आपको मिल जाएंगी जो पुराना रिकॉर्ड खिलाफत अस्मानिया का है उसकी जो दस्तावेजात चल रही हैं जो जो पूरी दुनिया में फैली हुई हैं और पूरी दुनिया किसी ने अभी तक उनकी ऑथेंटिसिटी को चैलेंज नहीं किया वो तो ये कहती हैं कि ये जगह आ, ये चर्च आ, सुल्तान मोहम्मद फ़ातह ने ख़रीद लिया था इन लोगों ने बेच दिया था ना भी बेचते तब भी उसके पास इसका हक था और अगर वो बेच दिया फिर तो बिल्कुल ही बात नोयती और आगे कहते लेकिन जो तारीखी तौर तो पर मौजूद है कि वो उसने अपने ज़ाती पैसों से सुल्तान मोहम्मद ने ख़रीदा उस जमीन को और आपको पता है चर्च बिकते हैं आज भी आप में से अगर कोई बंदा यूरोप और अमरीका से वाकिफ है और थोड़ा सा भी उसका वास्ता है तो बड़ी कसरत के साथ चर्च बेचे जाते हैं और बहुत कसरत के साथ चर्च खरीद कर मस्जिदों के अंदर कन्वर्ट किए जा रहे हैं पूरे यूरोप में पूरे अमेरिका में आप जरा किसी से पूछ लीजिए अगर किसी को तो ये तो आज भी एक कॉमन एक प्रैक्टिस है क्योंकि शायद उनके यहाँ उनके यहाँ उनकी इबादत गाह का तस्वर उस अंदाज का नहीं है जैसे मुसलमानों के यहाँ मुसलमानों के यहाँ जब मस्जिद वक्फ हो जाती है एक मस्जिद मस्जिद के तौर पर जब कोई जमीन पीस ऑफ लैंड क़त अराजी मस्जिद के नाम पर जब वक्फ हो जाती है वो क्यामत तक उसका स्टेटस नहीं बदला जा सकता किसी भी सूरत के अंदर कुछ भी हो जाए वो मस्जिद रहती है और वहां से लेकर ऊपर तक वो सारी मस्जिद रहती है। आप ये भी नहीं कह सकते कि इसके जब आपने मस्जिद के लिए इसको तय कर लिया तो आप ये नहीं कहेंगे कि इसकी पहली वो फ्लोर मस्जिद की है और दूसरी जो है वो मार्केट है और तीसरी फिर कुछ और चीज़ है वो फिर सारी मस्जिद है ऊपर तक और फिर नीचे तक भी सारी मस्जिद है उसमें थोड़ी आपको कभी कभार मस्जिदों के ऊपर तमीर नजर आती है उसमें थोड़ी सी डिटेल है क्या सूरत है वैसे जब वो होगी वो सारी मस्जिद कहलाएगी ये मुसलमानों के मस्जिद की हैसियत है और चूंकि वो जमीन मुसलमानों के नज़दीक जब किसी ज़मीन को मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया जाता है वक्फ़ करने का मतलब ये होता है कि वह मुसलमानों की इनफरादी और इज्तमाही मिल्कियत से निकल कर अल्लाह तला की मिल्कियत में चली जाती है तो जाहिर बात है कि फिर उसके बाद उस उसको, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता तो आ, ये इसलिए चूंकि ये जमीन तो बायदा खरीदी गई है लेकिन मैंने आपको मसला बता दिया कि अगर ये खरीदी ना भी जाती तब भी बवजह जंग के बाद हाथ में आने की सुलह और किसी माहदे के तहत हाथ में नहीं आई बायदा जंग के जरिए से आई और जंग के बाद ज़ाहिर बात है कि जब वह बंदा जंग हार जाता है तब उसको अपनी अमलाक पर हती कि अपनी जान पर अपने माल पर आ, कोई उसका आ, हक बाकी नहीं रह जाता बवजह उन सारी पेशकशों को मुस्तरद कर देने के जो उसको उससे पहले की गई थी जिसमें वो इन सारी चीज़ों को बचा सकता है उस, वो उसका इनकार कर देता है कि मैं नहीं बचाता और जो आखिरी आखिरी जो भी सूरत हाल होगी या हमारी जानब होगी या आपकी जानीब होगी दोनों सूरतों के अंदर वो वो समझते हैं कि उसको कबूल करेंगे तो ये तो इसकी वहाँ की जिसमें मैंने अर्ज़ किया कि ये इस हवाले से उसके अंदर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं थी और एक मस्जिद बन गई जब तुर्की के अंदर एक इनकलाब आया और आलम कुफर की उसकी तफसील में भी हम नहीं जा पाएंगे क्या हुआ खिलाफत स्स्मानिया सल्तनत स्मानिया कैसे ख़त्म हुई आलम इस्लाम कैसे बकरे कैसे हुए अरबों ने उसमें क्या किरदार अदा किया हरमैन शरीफन ऊस्मानी खलफा के हाथ से कैसे निकला और उसमें लॉरेंस ऑफ अरबिया ने और अंग, और अंग्रेज़ों के के आ, उस जमाने के जो उनके पुष्त पनावतों ने मुसलमानों को ये छोटे छोटे मुल्कों में कैसे तकसीम किया जिनकी आज आ, उनकी छोटा होने को देखकर भी आपको हैरत होती होगी ये बावन टुकड़े जो उन्होंने किए आलम एक ही सल्तनत के वो एक तफसी उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे उसमें बहरहाल तुर्की के ऊपर भी एक मुस्तफ़ा कमाल की शक्ल में एक इंतहाई बेदीन आदमी मुसलत किया गया जिसका इस्लाम से को, बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं था और उसने जो है इस को म्यूजियम बना दिया आया सूफिया को और छियासी साल ये म्यूजियम रहा तुर्की के इस्लाम पसंदों का और मुसलमान का पहले दिन से ही मौकफ़ था कि जिस दिन इसको मस्जिद में जगह खरीद कर या ना भी खरीदी जाती रही चूंकि खरीदी भी है ये बात कह रहे हैं कि जगह खरीद कर सुल्तान फातह ने उसको वक्फ कर दिया मस्जिद के लिए अब क्यामत तक इसका स्टेटस कोई बदल नहीं सकता तो ये जबरी तौर तो पर स्टेटस बदला गया दरमियान में म्यूजियम का वो छियासी साल जबरन रहा उनके कानून में उसकी गुंजाइश नहीं थी बहुत सारी चीज़ें थी बिल आखिर आज अलहमदिल्ला वो लोग इसमें कामयाब हुए कि उसको दोबारा मस्जिद बनाया और यूँ समझे कि उस दोबारा नहीं बनाया वो मस्जिद ही थी यानी यह कहना कि उसको दोबारा मस्जिद बनाया है ये ताबीरी गलत है आप यूं कहेंगे कि मस्जिद में इबादत की दोबारा से इजाज़त आ गई हालांकि मस्जिद में इबादत के लिए किसी की इजाज़त की जरूरत नहीं होती मस्जिद की बुनियादी शर्त यह है कि मस्जिद जो होगी वो ओपन फॉर ऑल होगी जो मुसलमान जब भी चाहे उसमें इबादत कर सकता है वो एक जबरी गलत पाबंदी थी जो उससे मुसलत थी वो पाबंदी हटा दी गई है जिसके बाद से वो आज़ादी मिल गई है मुसलमानों को वहाँ पर अपनी इबादत करने में तो इसमें शरीर नुक़ नगा से यह बात आप समझिए म्यूज़ियम बनाना हराम था मस्जिद को म्यूज़ियम नहीं बनाया जा सकता और उसमें इबादत को रोकना हराम था गलत था जिस पर छियासी साल एक गलत और नाजायज काम वहाँ पर होता रहा आ, उस उस नाजायज और गलत पाबंदी को कलदम कर दिया गया ख़त्म कर दिया गया और वो वही उसका स्टेटस है जो जो कि उस दिन से था जब से उसको मस्जिद बनाया गया ये दूसरी बात होगी आखिरी बात वक्त हमारे पास चूँकि कम है कंस्ट्रक्शन ऑफ अन इस्लामिक साइट्स इस्लाबाद मंदिर की तमीर एक मौजू रहा बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद अकलीतों के लिए यह हक होना चाहिए एक बात याद रखिएगा पाकिस्तान अगर दारुल इस्लाम है और अगर वाकई इस्लाम के नाम पर कायम एक इस्लामी सल्तनत है जिस तरह के जिस नाम पर इसको आपको पता है कायम किया गया था क्या नारे लगाए गए थे और क्या कहा गया था और किस बुनियाद पर हिंदुस्तान की तकसीम की गई थी तो एक इस्लामी ममलिकत एक इस्लामी रियासत एक इस्लामी सल्तनत के बारे में अल्लाह पाक का बहुत अर्शाद वाज़े है कि मक करना फिल अर्फ अकामजा के जब मुसलमानों को अल्लाज शाह किसी सरजमीन के ऊपर तसरफ गलबा और क़ुत और हुकूमत और अता फरमा देंगे तो मुसलमान उसमें इकामत अलात करेंगे पूरी सरजमीन के ऊपर असल जिम्मेदारी ये होगी कि अल्लाह तजाम को कायम करेंगे अल्लाह शाह के निजाम में मैंने विश्व किया कि चूंकि जिमियों के लिए एक सूरत मौजूद होती है कि जिमियों की सबका इबादत गाहें कायम रहती हैं और बवक्त ज़रूरत अगर उनको जरूरत पेश आ जाए अपनी किसी कम्यूनिटी के अंदर अपने पैसों से अगर वो कोई और इबादत गाह भी कायम करना चाहें तो उसकी इजाजत है अगर वो मुल्क सुह की बुनियाद के ऊपर कायम आए तो पाकिस्तान चूंकि सुला की बुनियाद पर बनाए कोई जंग तो हुई नहीं थी और इसलिए पाकिस्तान में इस बात की शरण इजाज़त है कि कोई भी गैर मुस्लिम आ, कम्युनिटी अपनी ज़रूरत की बुनियाद पर अगर अपने लिए कोई इबादतगा तमीर करना चाहती है तो वो उसको तामीर कर सकती है लेकिन किसी इस्लामी हुकूमत के लिए जायज़ नहीं है कि वो शिरक के अड्डे कायम करे मुसलमानों के पैसों से या अपने या हुकूमत के पैसों से हुकूमत के पैसों से वो जगह बनाना जहाँ पर अल्लाह जल्शन के के की वहदानियत और अल्लाह ताला की तोहद के बिल्कुल बरखिलाफ खिलाफ शर्क का बाजार गर्म किया जाए जहाँ मूर्तियों की पूजा हो रही हो ये ये फैसिलिटीज़ फ्राहम करना शिरक को फैसिलिटेट करना शिरक के मौाक़े फ्राहम करना कुफर के मौाक़े फ्राहम करना ये इस्लामी हुकूमत को इसकी इजाजत नहीं इसलिए बहुत वाज और क्लियर स्टैंड था इस पर पूरे पाकिस्तान के अहम का कि हुकूमत के लिए कोई ज़मीन देना या मंदिर बनाना जायज़ नहीं है हाँ हिंदू कम्यूनिटी या कोई भी क्रिश्चन कम्युनिटी या अगर यहाँ यहूदी रहते होते तो वो भी या सिख रहते होते तो वह भी वो अगर उनको जरूरत हो यह तय हो जाएगा उनको जरूरत है ये नहीं कि वो सिर्फ उसको अपने शहार के तौर पर बनाना चाहते हैं जैसे भी इस्लामाद में आपको पता होगा कि हिंदू नहीं है और जितने हैं उनसे ज्यादा मंदिर मौजूद हैं और जितने मंदिर इस्लाम में मौजूद हैं वो बिल्कुल वीरान है वहाँ कोई भी नहीं जाता इबादत के लिए क्योंकि लोग नहीं है बात करने वाले थोड़े से लोग हैं पूरे इस्लाबाद में तो यहाँ तो वाज तौर पर इसको सिर्फ एक अलामती तौर पर बनाया जा रहा था शायद दुनिया को ये कोई पैगाम देना चाह रहे थे ये बताना चाह रहे थे कि हम जी बाकी दुनिया की तरह ही है वहाँ से मुख्तलिफ नहीं है जो भी इसकी वजूहत थी तो ये तो हर समझदार आदमी को मालूम है जो इस शहर को जानता है और इसके इसके डायनामिक्स से जो वाकिफ़ है कि यहाँ पर ऐसी कम्यूनिटी नजर ही नहीं आती ना होने के बराबर है उनके लिए किसी इतने बड़े ह्यूज टेम्पल की सिरे से जरूरत नहीं थी हमने तो इंडिया में जाकर देखा था कि छोटे छोटे जितनी मेरी मेज़ है इतने इतने, इतने भी मंदिर होते हैं जिससे लोग गुजारा इतनी जहाँ पर हिंदुओं की आबादी पता नहीं कितने सत्तर अस्सी करोड़ है तो वहाँ भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे यहाँ इन्होंने चंद सौ लोग जो पूरे शहर में फैले हुए हैं और उनके लिए पहले से टेम्पल्स मौजूद भी हैं उनके लिए इजाफा तो हुकूमत के लिए ठीक जायज़ नहीं था आ, बाकी जो उसकी जवाज़ की शक्ल है वो मैंने आप आ, आपको बता दिया हुकूमत अगर मुसलमानों की है और एक इस्लामी हुकूमत है तो याद रखिएगा कि उसके करने के जो काम हैं वो क़ुरान और सुन्नत में बड़े वाज तौर तो पर मौजूद हैं कि मुसलमानों की हुूत के ज़िम्मे करने वाली क्या क्या चीज़ें होती हैं और कौन कौन सी ऐसे काम हैं जो उन जो उनके लिए बहसीियत हुक्मरान उन पर वाजिब हैं उन पर फ़र्ज हैं उन लाजमन करने और कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो उनके लिए करना जायज़ नहीं है एक किसी भी मुसलमान हुक्मरान के लिए किसी भी इस्लामी हुकूमत के लिए ये चीज़ें इस्लाम के की हिदायत में और इस्लाम के अहकाम के अंदर बहुत ही वाजह तरीके से मौजूद हैं तो ये वो तीसरी चीज़ थी इस पर मैंने आपके सामने अपनी राय रख दी अब अगर कोई सवालात हैं तो मैं इनशाला उसके जवाब दे देता हूँ वक्त हमारे पास थोड़ा सा है लेकिन बहरहाल मैं आ, कोशिश करता हूँ कि इसमें जितने सवाल हो सकें आप अपने सवाल आप उसमें ले आ, कमेंट बार के अंदर दे सकते हैं जी ओस गोंदल ने पूछा है कि आखिर गैर मुसलिमों को जिम्मी करार देने की जरूरत ही क्या क्या रियासत के तमाम शहरी बराबर नहीं हो सकते देखें आ, म, दो मजाहब का फर्क तो आप कैसे ख़त्म करेंगे यानी एक मुसलमान है आ, फिर गैर मुस्लिमों के अंदर कुछ ईसाई होंगे कोई यहूदी हो सकते हैं कोई आ, हिंदू हो सकते हैं सिख हो सकते हैं और बेशुमार दुनिया में मज़ाहब हैं तो जाहिर बात है कि ये मजहब की तकसीम तो मौजूद है मजहबी एतबार से जो तकसीम होती है जिम्मी कोई न, वो लफ्ज़ नहीं है जिसे कहा जाए कि उससे उसके हकूक़ पर ज़द्द पड़ती है जिम्मी का तो मतलब ये है कि अब चूंकि ये मुसलमान नहीं है और माशरा मुसलमानों का है और हुकूमत मुसलमानों की तो ला ये एक आ, ये एक ऐसी अकलियत है आ, एक माइनॉरिटी है अब इस माइनॉरिटी को आ, इसके माइनॉरिटी होने की वजह से कोई नुकसान ना पहुँचे उसको कोई 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 जरर ना पहुँचे इसको इंश्योर किया जाता है इसलिए उनके लिए बाकायदा उनके हकूक़ या उनसे मुत्ल चीज़ों को डिस्कस किया जाता है उसमें उनके लिए एक नामी जिम्मी, जिम्मी का मतलब तो बहुत अच्छा मतलब है कि वो अपने जिम्मे में समझा जाता है बाकी वो अपने अपने उनकी शनाख्त वही रहती है जिसको वो पसंद करते हैं वो मुसलमान कहलाना तो नहीं पसंद करेंगे ना वो वसाई कहलाना पसंद करेंगे यहूदी कहलाना जो तो उनके उनके मजहब है तो उनसे उनकी शनाख्त नहीं छीनी जाती ना उनके ऊपर अपने अप, उस पर पाबंदी लगाई जाती है कि वो अपने अपने आप को अपने मजहब की तरफ मंसूब नहीं कर सकते ऐसा नहीं होता प्लीज रिकमेंड एन ऑथेंटिक बुक ऑन इस्लामिक हिस्ट्री इन इंग्लिश और उर्दू दैट मैं ऑटोमन हिस्ट्री फैसल साहबा पूछ रही हैं तारीख खिलाफतानिया के नाम से एक किताब मौजूद है आ, मेरे पास भी है और अच्छी किताब है इस मौजू पर और भी लेकिन मुझे इस वक्त उसके ऑथर का नाम याद नहीं आ रहा मैं याद आ गया तो मैं इन अपने पेज के ऊपर उसको दे दूंगा आप लोग उसको वहाँ पर देख सकते हैं अच्छा जी ये भी इन्होंने कहा कि नाम नहीं लिखा मुझे मेरे सामने आया कि इस्लामी रियासत गैर मुस्लिम के लिए इबादत गाह तमीर नहीं कर सकती ये पॉइंट समझ में आ गया ये कह रहे हैं क्या इस्लामी रियासत तमीर शुदा गैर मुस्लिम इबादतगाह को मेनटेन्स या रिपेयरिंग के नाम पर या उसकी असरन व इस्लामी रियासत फंड इन्वेस्ट कर सकती है इसकी वजह फरमा दे नहीं कर सकती मैंने अब मैंने शायद आपने आखिर तक मेरी बात नहीं सुनी इस्लामी रियासत किसी गैर इस्लामी अकीदे मजहब या दीन को फैसिलिटेट नहीं कर सकती इस्लामी रियासत इस्लाम की नुमाइंदा होती है अल्लाह की सबसे पहला आप इस्लामी रियासत के कंसेप्ट को समझे कि इस्लामी रियासत होती क्या है खलीफतुलमसलम का मतलब क्या है वो अल्लाह का नुमाइंदा होता है जमीन के ऊपर आप सोचें जमीन पर खुदा का नुमाइंदा जिसको ये अल्लाह जल्ला शाह वो अल्लाह वो बुतों का नुमाइंदा कैसे बन सकता वो तो अल्ल... एक बंदा एट ए टाइम अल्लाह और बुध दोनों की नुमाइंदगी कर सकता है और इस्लाम और कुफर दोनों की नुमाइंदगी कर सकता है नहीं कर सकता इसलिए इस्लामी रियासत जो है वो गैर गैर इस्लामी इबादतगाहों को मुसलम इस्लामी अपने फंड से उनकी उन पर खर्च नहीं कर सकती अलबत्त जैसा मैंने बताया कि उनको इजाजत दे सकती उनकी जरूरत अगर है कि वो अपने खुद अगर अपने लिए जरूरी समझते हैं तो कर सकते हैं अच्छा क्या नॉन मुस्लिम को, को कोई बंदा लैंड सेल कर सकता है जैसे उसने कहा कह रहे हैं कि वो खुद बना सकते हैं जिस लैंड सेल कर सकते आप उनके साथ हर किस्म की सेल परचेज कर सकते हैं बशर्ते बशरते के वो सिचुएशन ना हो जो फलस्तीन के अंदर यहूदियों को ज़मीनें बेचने की सूरत में थी उस सूरत के अंदर बाज उलमा वक्ती तौर तो पर पाबंदियां लगाते हैं जैसे अभी भी मुफ्ती तकीशमानी साहब ने कहा है कि कश्मीर में मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए हिंदुओं को ज़मीन बेचना जायज़ नहीं है इसलिए कि वहां पर एक बाकायदा साजिश के तहत मुस्लिम मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में तब्दील किया जा रहा है आपने वो सुन ली है सारी बातें जो पूरे हिंदुस्तान के हिंदू कह रहे हैं और पूरे ये जो मौजूदा फासिस्ट गवर्नमेंट है इंडिया की इसने इसके वजीरों ने पूरे मुल्क में इस बात की दावत दी है कि चलें और जाकर कश्मीर में ज़मीनें खरीदें मकबूजा कश्मीर में ताकि मुस्लिम मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में तब्दील किया जा सके यही काम फलस्तीन के अंदर हुआ था ज़मीनें सारी मुसलमानों की थी इसराइल नहीं बन सकता था अगर मुसलमान ज़मीनें ना बेचते तो पूरी दुनिया से इसराइल ने यहूदियों ने पैसे इकट्ठा किया मुसलमानों से ज़मीनें खरीदनी शुरू की और वो सारी जमीनों के मालिक बन गए जिसके नतीजे में मुसलमान अकलीत में चले गए और इसराइल वजूद में आया और बात और इस्बात के अलावा एक सब ये भी था तो एक तो ये सूरत है जो कश्मीर में है फलसतीन में है जहां पर मुसलमानों को उनकी सरजमीन से महरूम कर देने की साजिशें हो रही वहां तो उलमा वक्ती तौर पर एक पॉलिसी के तहत यानी ये कोई प्रिंसिपल नहीं है लेकिन एक पॉलिसी जरूर हो सकती है कि के, के इस वक्त के अंदर ज़मीनें ना बेची जाएं तो ये लेकिन आम हालात में जैसे पाकिस्तान के अंदर इसमें आप कोई भी सेल परचेज जायज चीज़ों की वो आप उनके साथ कर सकते हैं गैर मुस्लिमों के साथ बहुत शुक्रिया वक्त कब रह गया मैं चार तक के आखिरी चार पांच मिनट शायद भाई अब्दुलरमान सिद्दीकी कोई बात करना चाहें तो इंशाल्लाह वो बात करेंगे

फॉर योर स्पेशल टाइम और उसके बाद